हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपना टॉपिक चल रहा है वो है घड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो घड़ी की अपन ने तीन चार क्लास है जो पीछे पढ़ ली हैं। आज अपन घड़ी की आगे क्लास की बात करेंगे। तो देखो, घड़ी के अंदर मैंने आपको मिनट और घंटे की सुई के बीच में जो कोण है वो ज्ञात करना सिखा दिया था। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात हो रही थी, उनको मैं आज बताने वाला हूँ। और जो पिछले वाले क्लास में भी मैंने कुछ बहुत कुछ बताया है, तो अगर कोई मेरा भाई आज मेरी पहली क्लास ले रहा है घड़ी की, तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है, मेरे पहले वाले वीडियो, पहले वाली क्लास जो है उनको जाकर पहले देखे, ताकि आज वाली क्लास को ठीक से समझ सके। लेकिन आज वाली क्लास फिर एकदम से समझ में नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे कि सर ये तो आपने पहले बताया ही नहीं, आपने ये क्या बता रहे हो, क्या नहीं बता रहे हो। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी पहली क्लास को देखें। तो देखो, घड़ी की अपन बाकी की बात करेंगे। पिछले क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो क्या था, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर कि मैंने आपको घड़ी के बारे में बताया था कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है, 90 डिग्री का कोण कब बनता है, और 180 डिग्री का कोण कब बनता है, और इन तीनों में संबंध क्या है, संबंध क्या है ना, तो वो देखेंगे आज अपन। तो देखो, एक तो बात करता हूँ पहले मैं 0 डिग्री की। ठीक है, 0 डिग्री के कोण की बात करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझना, मैं बात करूंगा 0 डिग्री के कोण की। तो पहले घड़ी के द्वारा समझा देते हैं आपको, घड़ी बना के समझा देते हैं। ठीक है ना, जैसे ये बना दी मैंने क्या घड़ी, ये लो साहब बना दी घड़ी। इधर 12 बज जाएंगे, इधर 6 बज जाएंगे, इधर 3 बज जाएंगे, इधर इधर 9 बज जाएंगे, फिर 1, फिर 2 और 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, ये बना दिया अपने घड़ी। अब देखना, 0 डिग्री के कोण की अपन बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जब दोनों घड़ियां, मिनट और घंटे की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो, मतलब कि एक दूसरे पर अतिव्यापित हो, है ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, एक दूसरे पर अतिव्यापित हो, है ना, उस समय दोनों घड़ियों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात हम समय ले लेते हैं 12 बजे का, समय ले लेते हैं पहले कितने बजे का, 12 बजे का। ठीक है, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट और घंटे की दोनों सुइयां ठीक 12 पर होगी, और दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात है। अब देखो, इस 0 डिग्री के कोण की क्या खास बातें हैं, ये एक घंटे में सिर्फ एक बार बनेगा, एक घंटे में सिर्फ एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि एक घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी, या एक दूसरे को एक घंटे में एक बार क्रॉस करेगी, आच्छादित होगी, है कुछ भी आ सकता है, इन वर्डों का थोड़ा ध्यान रखना, आच्छादित हो सकती है, किस समय एक दूसरे घड़ी की दोनों सुइयां एक दिशा में होगी, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो एक घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे वो समय कुछ भी हो। जैसे 1 बजे की मैं बात करूं, तो 1 बजे की मैं बात करूंगा, तो जैसे मान लीजिए ये है जो मिनट, एक घंटे वाली सुई छोटी है, और मिनट वाली सुई जब 1:12 से आकर, जैसे बड़ी वाली सुई 12 पर होती है, छोटी वाली सुई 1 पर होती है, तो 1 बजे है। उसके बाद में मिनट वाली सुई आगे जाती हैं और 1 पर अतिव्यापित होती है, मतलब 1 को जब क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो 1 से थोड़ा आगे चला जाता है ना, 5 मिनट थोड़ा सा, तो क्या होती है, इस समय इन दूसरे का, एक दूसरे का 0 डिग्री का एंगल बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे 12 बजे की। देखो, 1 घंटे में एक बार, 11 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार। अब आप सोच रहे होगी कि साहब 1 घंटे में एक बार बनती है, तो 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए ना, एक बार 11 बार ही क्यों बज रही हैं, 11 बार ही 0 डिग्री एंगल क्यों बन रहा है, तो उसकी बात करेंगे। और 24 घंटे की मैं बात करूं दिन और रात की, तो अपना जो एंगल बन सॉरी 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा।
एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो आप सोच रहे सर 12 घंटे में 11 बार ही क्यों, 12 बार बजना चाहिए ना, 12 बार 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए क्योंकि एक घंटे में एक बार बन रहा है। तो मेरे भाई इधर ध्यान देना, मैं बात करूंगा इधर 11 से 1 के बीच की, कहां की, 11 से 1 के बीच की, इन दो घंटों की बात करूंगा, ठीक है। टाइम बजाकर आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं 11 से 1 की बात करूंगा तो 11 में बजाऊंगा पहले, ये लो ये कितने बज गए, 11 बज गए। कोण कितने डिग्री का बनाना है, 0 डिग्री का बनाना है ना। अब क्या होगा, 11 बजे तो 0 डिग्री कोण नहीं बन रहा, उसके बाद में मिनट वाली सुई क्या होगी, इधर आएगी और ये जब पूरा राउंड काट कर आएगी, मतलब कि एक घंटा हो जाएगा, तो मेरे भाई ये जो छोटी वाली सुई है ये कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ से चल करके 12 पर आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना 12 पर। और मिनट वाली सुई पूरा राउंड काट कर ये भी 12 पर आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगी, फिर 12 पर आ जाएगी, ठीक है। जब ये 12 पर आ जाएगी, मिनट वाली सुई 12 पर आ जाएगी, तो 0 डिग्री एंगल बन जाएगा, मतलब कि ठीक 12 बजे बनेगा। उसके बाद में घड़ी आगे चलेगी, मिनट वाली सुई आगे चलेगी, उसके बाद में फिर से आगे चलेगी, आगे चलेगी, ये घूम कर आएगी वापिस और वापिस 12 पर आएगी। उस समय ये जो घंटे घंटे वाली सुई है ये चली जाएगी एक पर चली जाएगी, और ये बड़ी वाली सुई घूमकर वापस 12 पर आ जाएगी, लेकिन ये आगे नहीं जाएगी क्योंकि साहब एक तो 12 तक ही बच चुके हैं, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई एक पर जा चुकी है और मिनट वाली सुई ठीक 12 पर आ चुकी है। 0 डिग्री का कोण नहीं बनाया एक बजे से पहले, सिर्फ 12 बजे ही 0 डिग्री का कोण बना। साहब ये जब मिनट वाली सुई है आगे जाएगी, तब साहब एक से टाइम ऊपर हो चुका होगा, 1:05-6 हो चुके होंगे। इसका मतलब साहब 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई, इसीलिए ये एक घंटा कम हो जाता है साहब, कि साहब एक घंटे में तो एक बार बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपन 12 घंटे की बात करेंगे तो साहब 11 बार ही बनेगा, क्योंकि 12 घंटों में सिर्फ यहां पर 11 से 1 के बीच में एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई। इसी प्रकार जब 24 घंटे की बात करेंगे तो ये दो राउंड काट लेगी ना, दोनों सुइयां दो राउंड काट लेगी, तो मेरे भाई दो कोण कम हो जाएंगे, अर्थात 24 की जगह 12 बार आ जाएगा मेरे भाई। तो ये तो बात रही अपनी 0 डिग्री के एंगल की। अब बात करेंगे अपन 90 डिग्री के एंगल की, ठीक है। 90 डिग्री की मैं बात करूंगा कि साहब 90 डिग्री का कोण घड़ी में कब और कितनी बार बनता है, कितने समय में कितनी बार बनता है, क्योंकि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है ना, कि साहब एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, या 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, या फिर आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि साहब आज शाम 5 बजे से कल शाम 5 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करे दे सकता है मेरे भाई। लेकिन अपन को तो हर मुकाबले का डट कर सामना करना है, हर मुसीबत का डट कर सामना करना है, बचकर नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि मजा आ जाए बिल्कुल शानदार तरीके से, चाहे क्वेश्चन अपनी बुक से दे दे, चाहे दुनिया की किसी भी बुक से उठा कर दे दे, साहब हमने घड़ी पढ़ी है तो हल करेंगे, हमने घड़ी पढ़ी है तो आपका क्वेश्चन बताएंगे। अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हमने क्या पढ़ा साहब, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो पढ़ो तो दिल लगाकर पढ़ो तो 100% तरीके से पढ़ो मेरे भाई, ताकि कोई सा क्वेश्चन भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप रुक ना सको, कोई आपको रोक ना सके, ठीक है। तो बात करेंगे आगे 90 डिग्री के कोण की। तो देखो 90 डिग्री का कोण कब और कैसे बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा एक घंटे में कितनी बार, दो बार। एक घंटे में दो बार बनेगा और 12 घंटे में 22 बार बनेगा
और बात करूंगा मैं 24 घंटों की तो बनेगा 44 बार। ठीक है मेरे भाई, अब देखना इस कोण की बात करते हैं, एक घंटे में दो बार, भैया 90 डिग्री मतलब समकोण की बात कर रहा हूं, तो समकोण की बात कर रहा हूं, तो आओ हमारी घड़ी पर बात कर लेते हैं समकोण की भी। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन समकोण की भी, घड़ी बना दो या इस घड़ी में बता दो, चलो दूसरी बना लो ना, क्या दिक्कत है, घर की बात है। तो देखो, दो चार पाँच सात आठ दस और ग्यारह, कितनी बजानी है साहब, 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैं बजा देता हूँ कितनी, 3-9 बजा देता हूँ। ठीक है, 9 बज गए, 9 बज गए तो ठीक साहब, 9 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये वापिस आएगी घड़ी, ये वापिस जब घूम कर आएगी 9 के बाद में, वापिस जब ये मिनट वाली सुई घूम कर आएगी, तो साहब ये कहाँ आ जाएगी, ये तकरीबन 7 के करीब आ जाएगी, या फिर 8 के करीब आ जाएगी, लगभग 8 के करीब आ जाएगी, और घंटे वाली नहीं, ये आ जाएगी यहाँ पर 7 के करीब, और ये जो मिनट घंटे वाली सुई है ये चली जाएगी आपके आपके यहाँ इधर 10 के करीब। तो साहब एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का और बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में दो बार समकोण बनता है और 12 घंटे में 22 बार। साहब एक घंटे में दो बार बनता है तो 12 घंटे में 22 बार ही क्यों, 24 बार बनना चाहिए ना, क्योंकि एक घंटे में तो दो बार बन रहा है। तो मेरे भाई ध्यान देना, इसमें दो घंटे देखो कैसे कम हुए, उस चीज की अपन बात करेंगे। दो घंटे कम हो गए ना यहां पर, एक घंटे में दो बार, 12 घंटे में साहब 22 बार ही बन रहे हैं, बनने चाहिए 24 बार। तो देखो दो घंटे कौन से कम हुए, समकोण की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो समकोण में देखो मेरे भाई, एक और चार की बात करूंगा मैं, दो और चार की बात करूंगा, मतलब कि 2 बजे से 4 बजे की बात करूंगा, तो देखना आप समकोण कितनी बार बनता है। देखना मैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बज गए कितने, ये मैंने बजा दिए दो बजा दिए ना, अब दो बजा दिए तो साहब हम तो समकोण की बात करें, समकोण तो अभी बन नहीं रहा। जब ये घंटे वाले सुई है, सॉरी मिनट वाली सुई है, ये जाएगी आगे, जाएगी और ये आ जाएगी यहाँ पर 7 के करीब। ठीक है, 7 या 6 के थोड़ा आगे, 7 के करीब आ जाएगी, और ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये चली जाएगी 2 से थोड़ा सा आगे। ठीक है ना, मतलब कि 3 के करीब चली जाएगी। ठीक है, और ये जो है अपनी, ये आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, 6 के करीब, और ये चली जाएगी यहाँ पर, मतलब कि 2.5 से थोड़ा आगे। ठीक है, तो मेरे भाई एक समकोण तो यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, उसके बाद में ये सुई आगे जाएगी और जाएगी कहाँ, ये चली जाएगी ठीक कहाँ, 12 के ऊपर, 12 के ऊपर वापस चली जाएगी, ये चली गई, और ये कहाँ जाएगी घंटे वाली सुई, ये आ जाएगी ठीक आपकी 3 पर आ गए ना, और बन गया क्या, समकोण। ठीक है, समकोण बन गया, मतलब कि 2 और 3 के बीच में तो साहब 2 बार बन गया, लेकिन उसके बाद में चलो आप, उसके बाद में हम जाएंगे, देखो 1 और 2 के बीच में 2 बार बन गया ना, ध्यान रखना, उसके बाद में आगे जाएंगे अपन, 3 बजे के बाद में जाएंगे, तो साहब 3 बजे तो समकोण बन ही रहा है ना, उसके बाद में अपन आगे जाएंगे, तो ध्यान से देखना, ये जो मिनट वाली सुई है ये आगे जाएगी और ये घंटे वाली सुई है ये कहाँ जाएगी, 4 के करीब चली जाएगी। ठीक है ना, ये आएगी यहाँ पर 4 के करीब, और देखना ये यहाँ पर चली जाएगी, और ये घंटे वाली सुई है ना, ये यहाँ से आ जाएगी, एक समकोण यहाँ बन जाएगा, बन जाएगा। तो 2 तो पहले बन गए, 1 और बन गया, मतलब 1, 2 और 3 के बीच में 2 बन गए, 3 के बाद में 1 और बन गया, उसके बाद में ये घंटे वाली सुई है साहब आगे जाएगी, आगे जाकर कहाँ चली जाएगी, 12 पर चली जाएगी, और बज जाएंगे कितना, 4 बज जाएंगे ठीक। तो मेरे भाई 4 बजे तो समकोण नहीं बनेगा ना,
4 बजे तो समकोण नहीं बनेगा ना, तो मेरे भाई सिर्फ 3 बजे ही समकोण बनेगा, उसके बाद में एक समकोण ये बन जाएगा और उसके बाद में 4 पर जब घड़ी जाएगी तो समकोण नहीं बनेगा, 4 से जब घड़ी है ये मिनट वाली सुई आगे जाएगी तो समकोण बनेगा मेरे भाई। इसका मतलब कितना समकोण बना, 2 से 4 बजे के बीच में सिर्फ 3 समकोण बने मेरे भाई, मतलब कि एक कम हो गया। 2 से 4 के बीच में बनने चाहिए थे 2 घंटों में 4 और बने कितने मेरे भाई, 2 घंटे में सिर्फ 3 समकोण बने। इसी प्रकार ही यही रूल यहां पर लगेगा, यहां पर भी क्या होगा 8 से 10 बजे के बीच में भी सिर्फ कितने समकोण बनेंगे मेरे भाई, 3 समकोण ही यहां बनेंगे। इसलिए एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, तो 12 घंटे में कुल कितने कम हो गए, 2 समकोण कम हो गए, इसीलिए 24 की जगह कितने आए, 22 ही आए, और 24 घंटे में कितनी बार आ गया, 44 बार आ गया मेरे भाई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वैसे तो आपको डायरेक्टली याद करना है ठीक है ना, लेकिन ऐसा क्यों होता है साहब, एक कहां से कैसे कम हो जाता है, वो आपको मैं रामायण बता रहा हूं ठीक है मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब देखना 1 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, डायरेक्टली याद रखना है ना, क्वेश्चन करेंगे तो काम में आएंगे हमारे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन से कोण की, 180 डिग्री के कोण की और बात करेंगे। 180 डिग्री के कोण की बात करेंगे तो देखना 180 डिग्री का कोण कब और कैसे बनता है। एक घंटे में एक बार बनेगा ठीक है, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटों में 22 बार बनेगा, 24 घंटों में 22 बार बनेगा। इसका क्या रूल है साहब, इसका क्या फंडा है, तो देख लेते हैं इसका भी ठीक है। 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ठीक है, ये हो गया अपना क्लॉक घड़ी। अब बात करते हैं आगे की, तो साहब 180 डिग्री का कोण किस सिचुएशन में बनता है, 180 डिग्री का कोण सिचुएशन में बनता है जब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट साइड में हो ठीक है ना। अपोजिट साइड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूंगा ठीक 6 बजे की बात करूंगा तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होगी ठीक है ना, एक दूसरे से लंबवत नहीं अपोजिट साइड सीधी होगी, एक रेखा के रूप में होगी ठीक है ना। तो ठीक 6 बजे होगी, या फिर दूसरे समय की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं बात करूंगा 3 बजे की, मैं बात करूंगा 3 बजे की, अगर मैं बात करूंगा तो 3 बजे कब एक दूसरे पर जो है विपरीत दिशा में होगी, ये देखो 3 तो यहाँ बच जाएंगे, फिर ये घड़ी आकर यहाँ चली जाएगी, 4 बजे के करीब चली जाएगी मिनट वाली सुई और ये आ जाएगी इधर, उस समय एक दूसरे से एक रेखा के रूप में होगी मेरे भाई। तो 180 डिग्री का कोण बनेगा उस समय, रेखिक युग्म बनाएगी ना 180 डिग्री का कोण ठीक है ना, ये इस तरीके से 180 डिग्री का कोण बनाएगी दोनों रेखा। तो साहब 1 घंटे में 1 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ 1 बार ही विपरीत दिशा में होगी दोनों सुइयां दोनों घड़ियां। अब देखना साहब ये एक कम कैसे हो गया, वो चीज देखना आप, वो चीज इसमें ये है कि साहब जब 6 बजाते हैं अपन, कितने बजाते हैं, अरे कितने बजाते हैं, 6 बजाते हैं, तो साहब 5 और 7 के बीच में देखना आप, इन 2 घंटों की बात करेंगे अपन ठीक है ना, 5 और 7 के बीच में बजा दूं मैं कितनी, 5 बजा देता हूं साहब, ये लो साहब बजा दी 5, घर की बात है बजा दी 5, लेकिन साहब 5 बजा दी तो साहब ये जो है आपका 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, कम है थोड़ा सा, क्योंकि जब 6 पर आएगी तब एकदम सीधी सुई होगी, कम है तो 5 बजे 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा। उसके बाद में चलो घड़ी को आगे, चलो आगे ले चलो सुइयों को, इसको में बढ़ेगा बजेगा, ये चलेगी और कहाँ जाएगी, चलते चलते वापस 12 पर आ जाएगी, और ये कहाँ चली जाएगी, ये अपनी 6 पर चली जाएगी और ये ठीक आ जाएगी 12 पर, आ गई और बन गया क्या, आ गई तो साहब बन गया 180 डिग्री, बन गया 6 बजे 180 डिग्री। उसके बाद में आगे चलो,
उसके बाद में अपन आगे चलेंगे तो साहब आगे चलकर ये जो घंटे वाली सुई है ये तो आ जाएगी आपकी 7 के करीब। और चलो साहब आगे चलो आगे चलो, इस सुई को मैं जब लाऊंगा घुमाकर वापस तो ये आ जाएगी 12 पर, मतलब ठीक 7 बजे की बात करेंगे तो भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये घंटे मिनट वाली सुई तो 12 पर ही रहेगी ना, 7 बजे तो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, 7 बजे तो जब 1 के करीब जाएगी ना सुई तब 180 डिग्री का कोण बनेगी, 12 बजे तो साहब कम रह जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बना, यानी कि 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, इन दो घंटों में सिर्फ एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए यहाँ पर दो घंटों में कम हो गया, इसलिए एक घंटे में एक बार, 12 घंटों की बात करेंगे तो एक कोण कम हो जाएगा, 11 बार बनेगा और 24 घंटों में दो कोण कम हो जाएंगे, यानी कि 22 बार आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये रामायण आपको समझ में आ गई होगी शानदार तरीके से मेरे भाई, अगर शानदार तरीके से ये सारी मैटर समझ में आ गए हैं तो बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए कमेंट के अंदर, ठीक है, और लिख दीजिए जय माता दी साहब, ठीक है, और अगर इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि आप एकदम से एक साइड से देख सको कि साहब क्या मैटर है क्या है, नहीं है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कब और कैसे बनता है, कैसे कम हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आपसे, क्वेश्चन करूंगा कि कौन सा कोण कितनी बार बनेगा, किस समय कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, ये चीजें मैंने वापस रिपीट इसलिए बताई हैं क्योंकि पिछले वाली जब मैंने क्लास ली थी उसमें काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ठीक से शायद उनको क्लियर नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए मैंने ये सारा मैटर दोबारा एक बार क्लियर किया है अच्छे तरीके से। तो आई होप इस बार तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर इतना मैटर आपने पढ़ लिया है तो अब क्वेश्चन करने में देर नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि रविवार को सुबह 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक 0 डिग्री व 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। रविवार को सुबह 5 बजे से सोमवार को, कौन से वार को, सोमवार को शाम 5 बजे तक 0 व 90 डिग्री के कोण कब और कितनी बार बनेगा। तो देखना, पहले केस की बात करेंगे अपन 0 डिग्री की, तो साहब रविवार को बात कर रहा है ये, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है, रविवार से सोमवार की तरफ जा रहा है, तो देखना कितनी बजे की बात कर रहे हैं, 5 बजे की बात कर रहा है, ठीक है, रविवार को अपन को जाना है सोमवार के अंदर, ठीक है, सुबह से रविवार को सुबह 5 बजे से अपन जाएंगे, पहले तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक जाएंगे, रविवार को ये तो शाम की बात कर रहा है लेकिन शाम तक उसके बाद में जाएंगे मेरे भाई, पहले तो अपन सुबह तक, सुबह की बात कर रहा है तो सुबह तक ही पहुंचेंगे, पहले तो 24 घंटों की बात करेंगे कि साहब रविवार को सुबह 5 बजे सोमवार को सुबह 5 बजे 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटों के अंदर 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा मेरे भाई, 24 घंटों के अंदर 0 डिग्री का कोण आपको पता है कि साहब 22 बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, 22 बार कोण बनने वाला है 24 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सोमवार को सुबह 5 बजे तो पहुंच गए अपन, उसके बाद में सोमवार को सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को
कितने बजे तक, 5 बजे तक की बात कर रहा है, तो 5 बजे तक 12 घंटे और हो गए, तो 12 घंटे में और कितने बार बन जाएगा मेरे भाई, 11 बार और बन जाएगा, तो ये कितना हो गया, 33 बार। तो 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा मेरे भाई, 33 बार कोण बनेगा 0 डिग्री का कोण। अब बात कर देंगे 90 डिग्री के कोण की, तो आपको पता है 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण, समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटों में 44 बार बनता है। तो पहले तो अपन 24 घंटों की बात करेंगे, तो साहब 24 घंटों में तो बन जाएगा कितना, 44 बार, और 12 घंटों में और बात करेंगे तो 12 घंटों में और बन जाएगा कितना, 22 बार और बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा मेरे भाई, 66 बार समकोण बनेगा साहब, ठीक है, समकोण बनेगा आपका 66 बार और 0 डिग्री का एंगल बनेगा, वो कितनी बार बनेगा, 33 बार। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछता है अपन को। तो घड़ी, अगर घड़ी बना लेना यार, अगर अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है तो घड़ी बनाकर देख लेना कि साहब मेरे को 24 घंटों की बात कर रहा है, फिर वापस 12 घंटों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो घड़ी भी बनाकर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से अपन उसको सोल्व कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपकी जो है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं ये सारा मटेरियल, आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अच्छी तरीके से। अब इस देखो 0 डिग्री और ये 90 डिग्री समकोण है या 180 डिग्री बात करूंगा, इसका देखो डायरेक्टली आपको ज्ञात करने का ये फॉर्मूलाज में आपको बताता हूँ या ट्रिक बताता हूँ, वो देखना इसको किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे ज्ञात नहीं करेंगे, वो देखना आप अच्छी तरीके से देखना। मैं बात कर रहा हूं 0 डिग्री की बात करूंगा, ठीक है ना। तो 0 डिग्री का एंगल निकालेंगे अपन, ठीक है ना, 0 डिग्री का कोण निकालेंगे, तो इसमें देखो अपन सूत्र लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। अगर समय पूछ ले हमसे तो क्या करेंगे अपन, बजकर 60/11 गुणा समय, ठीक है। अगर 90 डिग्री कोण की बात करूंगा तो क्या है, बजकर 60/11 गुणा 11 समय, समय प्लस माइनस 3। और बात करूंगा मैं 180 डिग्री के कोण की, तो इधर बन जाएगा बजकर 60/11 गुणा समय और प्लस माइनस 6। ये 3 फॉर्मूलास हैं 0 डिग्री कोण के, 90 डिग्री कोण के, 180 डिग्री कोण के, समय ज्ञात करने के, जब कोण दे दिया हो और समय पूछ ले, ठीक है ना। तो देखना इससे एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं, क्वेश्चन है जैसे इसे पूछ ले साहब 1 से 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है ना, 0 डिग्री का जो कोण है वो कब बनेगा। तो देखना बजकर कितना, कितने बजे, 1 से 2 बजे की बात करना, तो 1 लेना है अपन को, ठीक है ना, शुरू वाला समय लेना है, तो 1, ठीक है, 1 बजकर 60/11 गुणा समय, ये बजकर वाला ही लेना है, जितना समय अपन ने यहां पर दिया हो ना, जैसे 1 से 2 दे दिया हो, जैसे 4 से 5 दे दिया हो, तो 4 ले लेंगे, यही समय यहां पर लेना है, अगर 1 ले लिया यहां पर, ठीक है। अब देखना 1 बजकर इसको गुणा कर दो, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 60/11, और जब 60 की अपन 11 से भाग देंगे तो कितनी आएगा, 11 5 55 और 5 से 11, मतलब कि 1 बजकर 5 बटा 11 बजे, 11 बजे ये मिनट आ जाएगी आपके पास में, 11 बजे कितने 0 डिग्री का कोण बनेगा साहब, ठीक है ना, 1 बजकर 5 बजकर 11
मिनट पर इस तरीके से अपन बात करेंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो अगर क्रॉस नहीं किया है, ये बात मैं आगे कल बताऊंगा आपको, अगर क्रॉस नहीं किया है तो माइनस में लेंगे, या सुई अगर क्रॉस कर लिया है उसके बाद की बात कर रहा है तो अपन क्या करेंगे प्लस में लेंगे, यही इसमें प्लस माइनस का सिचुएशन यही है। ठीक, ये इनकी बातें अपन कल करेंगे अच्छे तरीके से, मैं आपको सारा फॉर्मूलाज क्लियर करवाऊंगा और इससे संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाली है अपन कल की क्लास में। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए इजाजत। राजेश सर धड़ धड़ाधड़ क्लास लेने के लिए तैयार हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।